हेलो दोस्तों, ऐसे तो हम घर को सजाने के लिए अक्सर मार्केट से कुछ नया ही लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों से बनाएंगे कुछ अलग और उसे सजाएंगी तो मन को भी संतुष्टि मिलता है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरह का ये चीज़ हम बनाकर यहाँ पे लाए हुए हैं घर को सजाने के लिए। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे आप कई पीस में बनाकर एक अच्छा आकृति देकर घर को सजा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से ऊन ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बना लेने के बाद यहाँ इसे लाकर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब एक दो, दो चेन बना लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे बीचों बीच में हुक को डालकर, एक दो तीन चार पाँच, एक और बना लेंगे, ये रहा छः। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये इस तरह से जुट गया हमारा, यहाँ पे देखिए। अब फिर से एक दो, दो चेन ले लिए। अब इसी स्थान से फिर से हम एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, हो गया। फिर इसी चेन से हुक को यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसे कुछ दूरी तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे, फिर से एक दो, दो चेन ले लिए। फिर से इसी तरह पूरा इसे लंबाई में बनाकर हम कुछ दूरी तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे लंबाई कितना दूर तक बनाकर कंप्लीट किए, आठ इंच बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब इसमें हम सुई यहाँ पे इसे थोड़ा लंबा, यहाँ पे हम धागा को कट किए हुए हैं, यानी ऊन को लंबा कट किए हुए हैं और एक सुई पे इसे डाल लिए हैं ऊन को। अब हमें इस तरह का ये तैयार करना होगा। तो देखिए इसे तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का चार पीस में हम तैयार करेंगे। इस साइज का जो है ये चार पीस में हम तैयार करेंगे और एक पीस थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ बड़ा और छोटा में देखिए किस तरह से है, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ है एक दो तीन चार, यानी चार लाइन बना लेने के बाद हम यहाँ पे घटाना शुरू किए हैं और इस पे हम पांच लाइन बना लेने के बाद घटाना शुरू किए हैं। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये पांच पत्ता इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए हम चेन ले लेंगे, 11 चेन ले लेंगे। देखिए 11 चेन ले लिए। अब हम यहाँ पे ये दूसरी चेन पे हुक को डालेंगे, फंदे को इस तरह निकालेंगे और दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे पाँच बार बना लिए, ये हो गया। अब हम इसमें फिर से छः चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लेने के बाद बल लेंगे और ठीक दूसरा पहला चेन के पीछे जो दूसरा चेन है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक चेन से तीन डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे एक हम जो तीन चेन लिए वो डबल क्रोशिया का काम किया, इसके बाद दो डबल क्रोशिया और बनाए। अब अलग एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये हो गया। अब हमारे पास बचा तीन चेन, दो का एक करेंगे, यहाँ पे लास्ट जो फंदा है उसे रहने देंगे। फिर से दूसरा पे हुक को डालेंगे, दो का एक करेंगे, लास्ट रहने देंगे। तीसरा में भी इसी तरह डालेंगे, लास्ट रहने दिए। देखिए अब हमारे पास चार हो गया, चारों को एक साथ बंद करेंगे। अब एक दो, दो बार बल लेंगे और देखिए हमें इस स्थान पे यहाँ से हुक को यहाँ डालना है और इस तरह से एक दो तीन बार में इसे बनाना है। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट जो चेन है यहाँ पे इसमें हुक को डालेंगे, दो का एक करेंगे, एक हमारे पास यहाँ पे रहेगा हुक में। दूसरा में भी दो का एक किए, तीन हो गया। फिर तीसरा में भी दो का एक करेंगे, चार हो गया। देखिए तो चारों को हम एक साथ यहाँ बंद कर दिए। फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक चेन बच गया तो इससे हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो और एक तीन। यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए ये हमारा देखने में भी कुछ इस तरह का लगेगा। अब फिर से हम तीन चेन लेंगे, पलट लेंगे सबसे पहले, फिर एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब फिर से देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे, ये हो गया दो डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर से तीन अलग अलग चेन से इसी तरह बनाएंगे जो हम अभी यहाँ पे बतलाएं। एक चेन से बना लिए, फिर से दूसरी चेन से बनाएं, ये तीसरी चेन से भी बना लिए। देखिए चार हो गया हमारे पास। अब चारों को एक साथ बंद कर दिए। फिर से एक दो तीन, तीन बार हम बल लिए। तीन बार बल लेने के बाद जिस तरह से हम इस तरफ ये बनाए बीच का, उसी तरह से इस तरफ भी बनाएंगे, ये दोनों तरफ बनेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे बीचों बीच में और देखिए इस तरह से एक दो तीन चार, ये हो गया। अब फिर से देखिए इस तरह से आ गया, ये हम कट कर लेंगे बाद में। फिर से हमें तीन चेन से उसी तरह बनाना है, प्रत्येक बार तीन से इसी तरह बनाना है हमें, एक दो तीन, ये इस तरह से चार को एक कर लिए हम। अब एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब ये एक चेन से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये यहाँ से लेंगे ये और साथ में लेंगे ये। अब इसमें से हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो, एक और बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया हो गया हमारा यहाँ पे। अब फिर से हम पलटेंगे, पलटने के बाद तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, यहाँ से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये एक, दो हो गया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया। फिर से तीन चेन से उसी तरह बनाएंगे, एक दो तीन, चारों को एक साथ बंद करेंगे।
फिर से हम बल लेंगे, एक दो तीन चार, चार बार बल लेंगे और ये जो इस तरफ हम निकाले थे इसी से हम यहाँ पे बनाएंगे। एक बार, दो, तीन, चार, पांच, देखिए ये हो गया। फिर से बल लेंगे, फिर से एक, दो, तीन, ये चारों को एक साथ, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे और ये एक, और ठीक इससे इसके ठीक यहाँ पे सामने जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये इससे दोनों को एक साथ लेंगे और यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, ये हो गया। फिर से हम इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद चौथा भी इसी तरह बना लेंगे, यहाँ बीच में बनाना हम भूलेंगे नहीं। तो चलिए एक लाइन और बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे हम चार बना लिए हैं। चार बनाने के बाद अब इसे हम घटाना शुरू करेंगे। तो हम किस तरह से घटाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब मात्र हमें दो बार और बुनना है दो लाइन और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार ही बुनेंगे, ये जो हम यहाँ पे दो बार बनाते थे डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पे ये हो गया एक, फिर से बल लेंगे, ये हो गया दो, फिर से बल लेंगे, ये हो गया तीन, फिर से बल लेंगे, ये हो जाएगा चार। देखिए तीन बार हम प्रत्येक बार इस तरफ तीन बार घटा रहे थे, तीन का एक कर रहे थे, अभी हमारे पास यहाँ चार बार की हम एक दो तीन चार और एक ये जो यहाँ पे फंदा है, पांच हो गया हमारे पास, पांचों को एक साथ बंद कर दिए। अब एक दो तीन, तीन बार बल लेंगे और यहाँ पे इसे डालकर उसी तरह बनाएंगे। ये हो गया। अब फिर से हम चार बार उसी तरह बनाएंगे, एक दो तीन, ये हो गया चार, पांच हो गया हमारे पास, पांचों को एक साथ। अब यहाँ हम एक इसमें और एक इसमें दोनों में डालेंगे और देखिए एक, एक बार और बुनेंगे, तीन बुनते थे दो बार ही बुनेंगे, ये हो गया। अब पलट लेंगे, एक दो तीन, ये लास्ट हमारा यहाँ पे बुन रहे हैं हम। अब देखिए तीन बुनने के बाद इसमें से हम नहीं लेंगे, ये यहाँ से सीधे हम इस तरह उठाएंगे, एक दो। अब देखिए दो के बाद हमें क्या करना है, दो बार बल लेंगे, एक एक दो, तीन बार बल लेंगे, तीन बार ले लिए। अब यहाँ पे इसे बना लेंगे, एक दो तीन और ये रहा चार, तीन ही यहाँ, तीन ये तीनों है तीन। फिर से बल लेंगे, अब इसमें से ये एक, ये हो गया दो और यहाँ से लेंगे तीन, हो गया यहाँ। देखिए ये हो गया। अब हम इसे सबों को एक साथ बंद करेंगे, एक साथ, और एक चेन ले लेंगे, ये हो गया। अब फिर से इसे पलटेंगे, पलटने के बाद ये चीज़ हम कंप्लीट करेंगे यहाँ। तो दो दो बार बल लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ से एक दो और एक तीन, यहाँ लाकर इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे और एक यहाँ कट कर लेंगे।
देखिए कट कर लेने के बाद में इसे हम इस तरह से अंदर की ओर लाएंगे। अब इसे यहाँ कट करेंगे और फिर इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये 5 पीस बनाकर तैयार कर लिए, जिसमें 4 हम यहाँ पे छोटा साइज में बनाए हैं और 1 बड़ा साइज में बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह का हम कोई भी एक तार ले लेंगे। देख रहे हैं आप, ये अक्सर घर में छोटा मोटा ये मिल ही जाता है, ले लिए, इसे हम डबल कर लिए हैं। डबल कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसे डालेंगे इस तरह से। आप कुछ भी टाइट रखने के लिए डाल सकती हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से हम डाल लिए यहाँ पे। डाल लेने के बाद अब हम सुई धागा की मदद से देखिए इसे किस तरह से हम सी लेंगे। एक हम यहाँ पे इस ढंग से लगाएंगे, देखिए दूरी आप देखिए ये इस ढंग से, ताकि यहाँ से यहाँ तक हम सिल सकें और इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक सिल सकें। अगर आप सिलना नहीं चाहती हैं तो आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकती हैं। पेस्ट करने से भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए अब हम इसे सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस चीज़ को बंद कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखिए अब हमें सिलना किस ढंग से है। ये तो एक हो गया हमारा यहाँ पे बड़ा वाला पत्ता, सबसे पहले बड़ा वाला जो बड़ा पीस हम बनाए हुए थे उससे सिलेंगे। छोटा इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से सिलेंगे छोटा। इसके बाद अगला हम यहाँ से लेकर इस तरह से सिलेंगे। चलिए हम आपको इसे लगा कर बताते हैं। तो देखिए इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। तो चलिए हम इसे सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं, या अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे पेस्ट कर सकती हैं। तो कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो मोतियों के द्वारा भी सजा सकती हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बताए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।